शिवा दरवाजा खोल प्लीज। शिवा क्या हुआ मनु? शिवा देख दरवाजा खोल, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। शिवा क्या समझ में आ गया? आज जो मैंने टीवी सीरियल में एपिसोड देखा उसमें दो दो हथौड़े थे, अलग अलग। तो क्या कह रहा है मनु? आज के टीवी सीरियल में दो दो अलग लोग थे शिवा। मनु मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू सो जा। अरे तू दरवाजा खोल, मैं तुझे समझाता हूँ। खोल दरवाजा शिवा प्लीज। मनु ये दरवाजा नहीं खुलेगा, ये दरवाजा सुबह ही खुलेगा। सो जा प्लीज, तू मुंह बंद करके सो जा। ठीक है तू दरवाजा मत खोल, बस मेरी बात ध्यान से सुन। देख आज जो टीवी में मैंने क्लाइमैक्स एपिसोड देखा ना, उसमें दो अलग अलग हथौड़े थे। इसका मतलब ये है कि दो अलग अलग लोग हैं शिवा। एक वो जिसने हथौड़ा लेकर पूरे खानदान का खून कर दिया, उसके पास एक साधारण हथौड़ा था, यू नो, एक साइड में वो नेल पुलिंग टाइप, और दूसरा मैं, मेरे हाथ में एक बड़ा हथौड़ा था जिसके हैंडल में एक रेड टेप था, अ स्लेज हैमर। शिवा वो हथौड़ा यही है मेरे नजरों के सामने दरवाजे के बाहर। शिवा इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है, आज एक आदमी मेरे घर जाने वाला है जिसकी वजह से मेरे पूरे फैमिली को खतरा है। टीवी सीरियल में मैं लेट पहुंचा इसलिए उसने मेरे पूरे खानदान का खून कर दिया। अगर मुझे अपने खानदान को बचाना है तो आज मुझे फौरन यहां से निकलना होगा। शिवा प्लीज प्लीज मैं कह रहा हूं, प्लीज आप बैक ऑफ यू दरवाजा खोल। शिवा शिवा भगवान के लिए दरवाजा खोल, शिवा दरवाजा खोल, शिवा दरवाजा खोल। ओके ओके मनु प्लीज, शिवा होल्ड ऑन, प्लीज जल्दी कर यार प्लीज। थैंक गॉड शिवा, आई डोंट हैव टाइम। शिवा ओपन द डोर, व्हाट आर यू डूइंग मैन? नहीं मनु नहीं, ये दरवाजा नहीं खुलेगा मनु। शिवा ये दरवाजा सुबह ही खुलेगा। तेरी फैमिली को बचाने के लिए अगर मुझे तुझे मारना पड़े तो वो भी करूंगा मैं। डू यू गेट दैट राइट? सच अ शट अप एंड स्लीप मनु। शिवा ओपन द डोर, शिवा प्लीज लिसन टू मी, ओपन द डोर मैन। मनु मुझे समझाने देना यार, एक बार प्लीज दरवाजा खोल ले। शिवा चला गया। पता नहीं आजकल क्या हो गया है इसे। मनु रात को मनु तो घर पे नहीं है। मुझे पता है, मनोहर मेरे घर में है। उसने आपके घर में तुम्हें ये देने के लिए कहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या है ये? प्रिया ये एयर टिकट्स हैं। तुम सबको सुबह 7 बजे की फ्लाइट से दिल्ली जाना है। क्या? लेकिन क्यों? देखो घबराओ मत, तुम मनोहर को फोन कर लो, वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। अच्छा अरे अंकल आइए ना, अंदर आइए प्लीज। बिना लिफ्ट के 13 माले चढ़ के मैं थक गया। I'm so sorry अंकल, ये बिजली को भी अभी जाना था। मैं पानी लाऊं आपके लिए? हाँ और एक ब्लैक कॉफी ले आना बिना शक्कर के। श्योर, आप बैठिए ना प्लीज, अभी लाए। Oh,
प्रिया बेटा, बाथरूम किस तरफ है? नहीं नहीं, मैं ढूंढ लूंगा। अरे लाइट आ गई क्या? चित्रा और उनके परिवार जिसमें दो बच्चे मिलाकर 8 लोग शामिल थे, उनकी हथौड़े से मारकर घृणात्मक तरीके से हत्या कर दी गई। पुलिस ने चित्रा के बड़े भाई को हिरासत में ले लिया है, जो कि एक मानसिक रोगी है। उस पर इल्जाम है कि उसी ने ये सारी हत्याएं की हैं। ये हत्या एक पागल आदमी ने जरूर की है, पर मेरे भाई ने नहीं, तुमने की है। तुम्हारी बेवकूफ भाई को अपनी जिंदगी की कीमत पता नहीं थी तो उसने अपनी जान दे दी, सिर्फ इसलिए कि एक लड़की ने उससे शादी करने से मना कर दिया। पर हम कैसे जिम्मेदार हुए उसके लिए? अगर तुमको अपने भाई से इतना प्यार था और उनकी मौत से तुमको इतना दुख हुआ तो तुम खुद आत्महत्या कर लेते। साईराम, ये क्या? साईराम, ये तूने क्या किया साईराम? ये तूने क्या? चित्रा बेहद है क्या? कहाँ घुसे तू? भार कर। आपके भाई की मौत के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। सुन, हाँ जी, जो लड़की मरी है ना चित्रा, बताकर इसकी शिकायत में कौन दीवाना आया था जिसने आत्महत्या कर ली? डॉक्टर साहब, मुझे आपके भाई की मौत के बारे में आपसे बात करनी है। I'll be with you in a minute. जी, I'll wait. लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था उसको,
अरे मुझे नाज है अपने भाई पे। तुम लोगों की वजह से मेरे भाई की जान गई है। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मैं ये आवाज कैसी है? अरे ये क्या हो रहा है भैया? डरी हुई क्यों? क्या क्या डरो मत, डरो मत। क्या हुआ? हाँ आप अंदर जाइए। माँ कौन है? दिव्या, दिव्या बच्चों को लेकर रूम में जाओ जल्दी। डॉक्टर नहीं, क्या कर रहे हो? सुनो डॉक्टर, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, क्या हो गया आपको? आप रुक जाइए। डॉक्टर आप मेरी बात सुनो, हथौड़ा नीचे फेंक दो। पीछे भैया प्लीज समझिए डॉक्टर, मेरी बात सुनिए आप। डॉक्टर आप मेरी बात सुनिए डॉक्टर। डॉक्टर मुझे लेट हो रही है। अरे बस आरती हो गई। इसको घर में पूजा रूम बनाने के लिए कहा था, पूरा मंदिर ही बना दिया इसने। ये लो। हेलो बेबी, लुकिंग नाइस। अच्छा बात सुन, याद है ना आज शाम को डॉक्टर के पास जाना है? 100 बार बता चुके, सब याद है। तो क्या हुआ, ट्विंस पैदा करना आसान काम है क्या? भाई साहब कैसे? अरे 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 कहाँ गया ये? इसे यहीं रख देता हूँ मैं। सभी लोग घर पे हैं, जो चाहिए बेझिझक मांग लीजिएगा। हैं हाँ शिवा, मैंने लॉयर से बात की। हाँ वो कह रहे थे कि सारे पेपर्स क्लियर हैं। हाँ इसका मतलब ये है कि सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, थैंक्स टू यू। No, I really mean it, यार। हाँ तो फिर और कुछ बोलना, जैसे शाम को मिलते हैं, शाम को बियर पीते हैं। अच्छा ठीक है, भाव मत खा। I'll see you soon. Bye bye. डॉक्टर शिंदे? हेलो मनोहर, चौंक गए क्या? पता है इस जनरेशन में अगर हम मर जाएं और हमारी आत्मा को असली दुनिया से संपर्क करना हो तो हम टीवी नहीं मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करेंगे। और